उत्तराखंड देवों की भूमि है और इसी देवभूमि में ऐसे बहुत सारे पुराने मंदिर हैं जिनकी हिंदू धर्म के एंशियंट स्क्रिप्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। और उत्तराखंड में छोटे चार धाम भी हैं जो कि हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और इस सीरीज में हम कवर करेंगे दो इंपॉर्टेंट मंदिर जो कि हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ, और इनकी यात्रा को दो धाम यात्रा भी कहा जाता है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग। जी हाँ, अभी आज का वीडियो हम इवनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक बहुत ही बढ़िया सनसेट हो रहा है और अभी हम लोग हैं ऋषिकेश में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश एंड वी आर स्टेइंग एट गोस्ट स्टॉप्स जो कि लक्ष्मण झूला के पास है। गोस्ट स्टॉप्स इज अ हॉस्टल बट यहाँ पर प्राइवेट रूम्स भी हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट सनसेट एंड वी आर चिलिंग ऑन देयर टेरेस। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, उधर सनसेट हो रहा है एंड से पूरा वो लक्ष्मण झूला वाला एरिया दिख रहा है। आज हम ऋषिकेश में रुक रहे हैं और कल से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ से गंगा जी का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। आप पहले व्यूज देखिए और हम आपसे कल मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ अ डे वन ऑफ द ट्रिप। ऑफिशियली हमारी ट्रिप आज से स्टार्ट हो रही है और आज हम जाएंगे ऋषिकेश से गुप्त काशी और फिर वहाँ से केदारनाथ यात्रा शुरू करेंगे नेक्स्ट डे पर। और ये वाली ट्रिप हमारी बाकी ट्रिप से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। फर्स्ट रीज़न इज़ कि ये हमारी रिलीजियस ट्रिप है एंड सेकेंड इज़ कि हम लोग इसको खुद ड्राइव करके नहीं जा रहे, हम लोग केदारनाथ यात्रा बाय फुट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली उसके साथ ड्राइव करना थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, दैट्स वन ऑफ द रीज़न। और एक रीज़न ये भी है क्योंकि हमारी बैक टू बैक ट्रिप्स प्लान है तो हमने सोचा कि इस ट्रिप पे ड्राइव नहीं करते हैं, तो हमने जस्ट ड्राइविंग पार्ट को एक्सक्लूड किया है इस ट्रिप के लिए। तो चलिए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम होटल से ही ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं ऋषिकेश से और आज हम जाएंगे गुप्त काशी तक। ऋषिकेश में स्टे करने का एक रीज़न ये भी था कि ऋषिकेश से आगे नाइट में ट्रेवल करना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ आगे सारे रास्ते में शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड्स की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और रात के समय में शूटिंग स्टोन्स का पता नहीं चलता, इसलिए ये रास्ता सुबह 5:30 से लेकर रात को 10 बजे तक ही खुला रहता है। तो आप भी अपना ट्रैवल उसी हिसाब से प्लान करिए। टैक्सी सर्विस की डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे पीछे है देवप्रयाग और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी रिवर का संगम होता है और जो संगम है बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है यहाँ से।
देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है और गंगा जी अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाती हैं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप नीचे टेंपल तक भी जा सकते हो, बट संगम का क्लियर व्यू ऊपर से ही आ जाता है। यहाँ पर 10-15 मिनट स्पेंड करके हम अब आगे जा रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं धारी देवी टेम्पल। इनको प्रोटेक्टर ऑफ टेम्पल्स या मंदिरों के रक्षक भी बोला जाता है और ये उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करते हैं। इनके लिए ये भी मान्यता है कि 2013 में हाईवे डेवलपमेंट के लिए यहाँ से इन्हें दूसरी जगह पर रखा गया था, जिसकी वजह से केदारनाथ में 2013 में फ्लड्स आ गए थे। उसके बाद इनको दोबारा इनकी जगह पर स्थापित किया गया था। हम लोग क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पर आए हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा रश मिल रहा है, अदरवाइज यहाँ पर रश नहीं होता। अभी हम लोग निकले हैं धारी देवी से। आज अ फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि तो काफ़ी रश मिला हमें। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हम लाइन में लगे, तब जाके हमें अंदर दर्शन हुए, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। एंड देन अभी हम रुद्रप्रयाग जाएंगे और फिर रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते जाते हैं कर्ण प्रयाग की तरफ, एक रुद्रप्रयाग गुप्त काशी केदारनाथ। तो जो कर्ण प्रयाग वाला रास्ता है वो आज हम नहीं लेंगे, वो बद्रीनाथ पे जाता है। आज हम लोग केदारनाथ जाएंगे। अभी हम लोग रुके हैं रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा पहले लंच करने के लिए। यहाँ से लंच करेंगे फिर आगे जाएंगे। यहाँ से ये नीचे वाला रास्ता गुप्त काशी और ऊपर वाला रास्ता कर्णप्रयाग और जोशीमठ की ओर जाता है, जो कि आगे जाता है बद्रीनाथ की ओर। रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर भी नीचे टेंपल है और अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। और अभी हम लोग निकले हैं रुद्रप्रयाग से लंच करके और यहाँ से गुप्त काशी को हमें ऑलमोस्ट लगने चाहिए 2 आवर्स। वहाँ पे हमारी बुकिंग ऑलरेडी है और बस हम जाके चेक इन करना चाहते हैं। अभी इट्स बीन अ लॉन्ग डे टुडे और अभी हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, लैंडस्लाइड को क्लियर कर रहे हैं।
तो हमें उत्तरकाशी पहुंचने में ऑलमोस्ट 9 आवर्स लगे हैं एंड जो रास्ता है रुद्रप्रयाग तक फिर भी सही है। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी का जो रास्ता है वो काफ़ी नैरो है एंड रोड भी नहीं है, तो उस पैच में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज रास्ता सब सही है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जब आप उत्तराखंड के चारधाम करते हैं तो आपको यमुनोत्री से स्टार्ट करके गंगोत्री, फिर केदारनाथ और लास्ट में बद्रीनाथ जाना होता है, और या फिर अगर आप सिर्फ 2 जगह जा रहे हैं तो आपको केदारनाथ फिर बद्रीनाथ जाना होता है। इसलिए हम भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और पहले जाएंगे केदारनाथ और फिर जाएंगे बद्रीनाथ। और अगर आप ऋषिकेश से थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हो और रास्ते में हॉल्ट्स कम लेते हो तो आप बहुत इजीली सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक पहुंच सकते हो, विच इज ऑल्सो अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अस, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप यात्रा स्टार्ट करोगे तो आपके ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा सेव हो जाएगा और सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों जगह स्टेज की बहुत अच्छी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। इसके आगे की जर्नी हम कवर करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि आने वाली वीडियोस में बहुत सारा एडवेंचर होने वाला है। और अगर आप इस सीजन केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। Check us out on Instagram and follow for more interesting real-time stories.